हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होगे, एकदम मेरी तरह झकास होगे। मैं हूँ अपने प्यारे होम स्वीट होम में और कल मेरा रेकरेंट एग्जाम फिनिश हुआ फाइनली, एंड मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपना सारा एग्जाम क्लियर किया है। एंड कैन यू इमेजिन कि फ्लाइट्स आने के बाद, मतलब जब मैं अपने लास्ट फ्लाइट से आई हूँ, उसके बाद मेरे पास बस एक दिन था, दैट टू नॉट पूरा, क्योंकि उसमें मुझे सोना भी था। एंड जो मैं पढ़ी हूँ उस बीच में, आई स्वेयर इतना बुरा तो मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ जितना मैंने उस दिन पढ़ा है, बट स्टिल मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाई थी। एंड एग्ज़ाम देते टाइम मुझे बस भगवान याद आ रहे थे, और मैं हर एग्ज़ाम से पहले यही बोल रही थी, भगवान प्लीज़ पास करा देना, अगर पासिंग मार्क्स से भी आप मुझे पास करा सकते हो तो प्लीज़ 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 मुझे पास करा देना, मुझे फेल होना अच्छा नहीं लगता है। बट एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अभी इस एग्ज़ाम के लिए मैं एक साल तक फ्री हूँ, बट आई हैव दिस अनदर ट्रेनिंग, जो कि मैं उसकी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टाइम आने पे, ओके? एंड या सो आई एम सो हैप्पी कि मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। सो आज का ये प्यारा प्यारा दिन स्टार्ट करेंगे हम मेरी प्यारी प्यारी सी चपड़ चपड़ के साथ, सो कीप ऑन वॉचिंग वॉचिंग, ओके? सुबह की शुरुआत की है मैंने एक अनहेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की, सो मैंने ऑर्डर किया एंड चाय मैंने खुद बनाई एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, अब करनी है मुझे अपनी खुद की सफाई, बट उससे पहले मुझे करना है एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कि मेरी प्यारी मम्मी दुबई आ रही है आज शाम को, एंड आई एम सुपर हैप्पी। तो मम्मी का दुबई आने का प्लान एकदम अनप्लान्ड है, एकदम से बना है। एक दिन मैं सो के उठी और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप दुबई आ जाओ क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। नहीं, जस्ट किडिंग, मुझे लगा कि अभी वेदर दुबई में अच्छा होता जा रहा है एंड आई शुड कॉल माई मॉम हियर। एंड ऑफकोर्स जब मेरी कंपनी मुझे ये फैसिलिटी देती है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला के रख सकती हूँ, सो वाई नॉट। सो मेरी प्यारी मम्मी इज कमिंग टू दुबई फॉर वन मंथ। आप में से बहुत लोग जो मेरे प्यारे शीरो को प्यार करते हो, उन लोगों को लगेगा कि शीरो कहाँ पे रह रहा है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मम्मी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो शीरो कहाँ पे जाएगा। लास्ट टाइम भी मुझसे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी थी, बट मैंने मतलब मैं हर वीडियो में शेयर करना भूल जाती थी, आई एम सो सॉरी, मैं भुलक करूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बादाम मैं नहीं खाती हूँ सुबह, तो मेरे को मेरी याददाश्त थोड़ी सी डगमगाई है एकदम मेरी ज़िंदगी की तरह। तो शीरो रहेगा एक महीने के लिए अपने दूसरे मम्मी पापा के पास। भाई शीरो बहुत किस्मत वाला है, उसके उसको सब प्यार करते हैं, उसके दो दो मम्मी पापा हैं, एक मेरे मम्मी पापा और एक और मम्मी पापा। सो अगर हम ज़्यादा इन डिटेल जाएं तो मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड है शीरो, उनके पास रह रहा है एंड लास्ट टाइम भी शीरो वहीं पे था। एंड शीरो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उससे सब इतना प्यार करते हैं कि हमें मतलब हम भूल जाते हैं कि शीरो हमारे पास भी रहता था कभी। मतलब एक वो टेंशन फ्री रहते हैं कि ठीक है शीरो जहाँ है एकदम सही है। फिर जब हम वापस जाएंगे, सो जब वापस मम्मी इंडिया जाएंगे उनके साथ मैं भी जाऊंगी, एंड देन जाके हम शीरो की एक महीने की जो वेकेशन है उसको वापस लेके आएंगे। एंड या सो ये है मेरी कहानी और ये है हमारी घर की कहानी। सो अभी आप में से जिन लोगों के भी माइंड में आएगा, सो जस्ट चिल, शीरो एक अच्छी जगह पे है फॉर वन मंथ। आज के लिए मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और फैमिली इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, जो कि मैं यूजुअली अपने कभी भी किसी व्लॉग में नहीं करती हूँ, एंड अभी मैं बट इट्स ओके। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, एंड फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ी देर जाऊँगी सो, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस थी, एंड जिसकी वजह से मैं सोई भी नहीं थी। मतलब आई गेस मैं पूरा दिन जागी थी एंड आई स्लेप्ट ओनली फॉर 3 आवर्स, एंड नो उसके बाद भी रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब आप बहुत देर तक जगे रहते हो आपको नींद नहीं आती है। सो मैं अभी थोड़ी देर जाऊँगी सो, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि मम्मी के आने से पहले मैं सो जाऊँ, वरना मम्मी आके मुझे ये पूछती है तो ऐसा करती क्या जो तू थक जाती है, तूने ऐसा किया क्या है। आई मीन लाइक मम्मी का बचपन से ये सवाल कभी ख़त्म ही नहीं आया, तूने किया क्या है जो तू थक गई है। ये मैं इस चीज़ को और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, सो आई विल सी यू गाइस, आई डोंट नो व्हेन, ओके?
लेट्स गो, मम्मी को पिकअप करने चलते हैं। तो 6:10 पे मम्मी की फ्लाइट लैंड होने वाली थी, जो कि मैंने चेक किया तो इट्स ऑलरेडी लैंडेड एंड राइट नाउ इट्स 6:30। मेरे जैसे पंचुअल इंसान हमेशा लेट रहती है, आई डोंट नो व्हाई। मैं बस एक ही चीज़ के लिए टाइम पे रहती हूँ, दैट्स फॉर माय ओन फ्लाइट। और अभी 6:30 हो गया, बट मुझे पता है कि हाँ, बाहर निकलते निकलते इमिग्रेशन क्लियर करते करते एंड अराइवल्स तक पहुँचते पहुँचते लाइक 30 to 45 minutes लग जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, उसमें तो आप मतलब चलते चलते आपकी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, इस तरीके का एयरपोर्ट है। वेल, मैं रेडी हो गई हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग, जा रही हूँ एयरपोर्ट फटाफट से अपनी प्यारी प्यारी मम्मी का प्यारा प्यारा से पिकअप करने के लिए। बट उससे पहले मुझे खरीदने हैं फ्लावर्स फॉर माई प्यारी प्यारी मम्मी, बिकॉज जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहना चाहिए। एंड आई गेस आई एम लाइक दिस, मुझे बहुत पसंद है अपने क्लोज वंस को अच्छे से ऐसे स्पेशल फील कराना। आई मीन चाहे वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हों या फिर मेरी फैमिली हो, सो मुझे अच्छा लगता है जब वो लोग खुश होते हैं। पर जब मेरा टाइम आता है तब उन लोगों का दिमाग नहीं चलता है, मुझे ये समझ नहीं आता मेरे टाइम पे किसी का दिमाग नहीं चलता है, आई स्वेयर, बट इट्स ओके। सो लेट्स गो, चलते हैं। सो मैं कर रही हूँ प्यारी मम्मी का वेट। मम्मी मेरे से पहले लैंड हो गई थी एंड जब मैं टैक्सी में बैठी थी तब वो बैगेज कलेक्शन पे थी, कि बैग कलेक्ट करने, और मैं उनसे पहले पहुँच गई हूँ। बट दिस वुमेन शी इज स्टिल नॉट हियर, जस्ट किडिंग, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। लकीली मैं टाइम से पहुँच गई हूँ तो मम्मी लेट है, ना कि मैं, मेरी क्यूटनेस। ओके चलो, कैसा लग रहा है प्यारी मम्मी? अच्छा लग रहा है, थक गई हो ना? मम्मी थकी हुई मम्मी मम्मी के सर दर्द हो गया है। मम्मी की शक्ल देखो, एक फ्लाइट करके मम्मी का ये हाल है और मेरे जो बैक टू बैक फ्लाइट होती है तो जो मेरा क्या हाल होता है। तो मम्मी कहती है ऐसा करती क्या फ्लाइट पे जो थक जाती है, अब पता चला बैठे बैठे तुम्हारा सर दर्द हो रहा है और मैं खड़े खड़े बैक टू बैक फ्लाइट करती हूँ और कभी कभार मैं 8-8 घंटे खड़ी रहती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं खड़ी हूँ। और घर आती तो मम्मी क्या बोलती है, ऐसा क्या काम करती है जब तक थक जाती है। अब बोलोगे चला के मैं ही लाई थी ना, क्या चला के ला? अच्छा। प्यारी मम्मी घर पे आ गई हैं एंड अब मैं कल फ्लाइट पे चली जाऊंगी सुबह सुबह। और मैंने अभी मंगवाया है केक बिकॉज मेरी फ्लैटमेट का बर्थडे है, तो मैं रात के 12 बजे तक तो नहीं जग सकती हूँ क्योंकि मुझे सोना है, मेरी सुबह फ्लाइट है। सो मैंने सोचा कि अभी मैं क्यों ना जगी हुई हूँ तो मैं अपने हिसाब से टाइम को चलाऊँ, क्योंकि दुनिया में बहुत जगह 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। सो इट मीन्स उसका बर्थडे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड शी डजंट नो अबाउट इट, सो आई हैव ऑर्डर्ड द केक एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। सो लेट्स सी, लेट्स नॉट सी, वी गोना सेलिब्रेट हर बर्थडे। सो फाइनली द केक इज़ हियर
एंड मुझे फ्लाइट पे सुबह सुबह जाना है एकदम, और उसके लिए मुझे अभी जल्दी सोना पड़ेगा बिकॉज अराउंड 4 बजे तक मुझे उठना है. एंड आई वॉज लाइक आई एम 100% श्योर कि उसने कुछ ऐसा मेरे साइड से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट देन इज नॉट लाइक अ फ्लैटमेट, शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, सो ऑफकोर्स शी डिजर्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हर बर्थडे. दूसरी चीज़ ये कि फैमिली से वो अपने दूर है. तीसरी चीज़ ये कि वो घर भी नहीं जा सकती है, सो बिकॉज उसकी फ्लाइट है नेक्स्ट डे एंड मैं भी अपने फ्लाइट पे जा रही हूँ, तो मैं भी नहीं रहूँगी उसके साथ उसके बर्थडे पे. सो शी इज़ ऑल बाय हरसेल्फ ऑन हर बर्थडे. मुझे पता है कैसा फील होता है जब आपका बर्थडे होता है, पूरे साल अपने बर्थडे का वेट करते हो कि ओके मेरे बर्थडे होगा, मैं खुश रहूँगी, ये होगा वो होगा, एंड देन आपका बर्थडे ऐसे, मतलब आपके बर्थडे वाले दिन जब आपके साथ कोई होता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ है जब कोविड में मेरा बर्थडे था एंड मेरे साथ कोई भी नहीं था, इट वॉज जस्ट मी. That's her birthday cake, but जैसे मैंने सोचा था उसको सरप्राइज करने के लिए वो चीज नहीं हो पाई. Because I'll be sleeping. Happy birthday. Wait, let's cut it. Let me. Yeah. Wait. Okay, I'm holding it. Hold this. Make a wish. I'm holding it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ta-da. Thank you so much. Oh my god. It's okay, I'm holding it. Oh my god. Let's eat it now. Eat it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Happy birthday. Hey guys, it's me again. आज सुबह से आप लोग मेरे चप्पल चप्पल बहुत ही शिद्दत से सुन रहे हो एंड बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग. तो अब मैं ये व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ बिकॉज आप लोग 50 बार सुन चुके हो कि सुबह मेरी फ्लाइट है एंड आज का दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई एंड अब मेरे सोने का टाइम हो गया है और काफ़ी अच्छा दिन रहा है. जैसा मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्यारी फ्लैटमेट को कैसे सरप्राइज करूँगी वैसा तो नहीं हो पाया, बट इट्स ओके. कई बार हमारे जो हम सोचते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है एंड इट्स फाइन, दैट्स लाइफ. बट मैटर क्या करता है कि जो आपने किया उससे किसी को खुशी मिली. सो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर वाले बच्चों, आज के वीडियो से तुमको क्या सीख मिलती है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके? तब तक मम्मा सो जाएगी, मम्मा सुबह उठ के कमेंट सेक्शन पढ़ेगी, ओके? आज के इस प्यारे से दिन का व्लॉग जो हमने बनाया था उसको एंड करेंगे हम यहाँ पर. एंड अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, दैट्स लाइफ. हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. सो बस मैं इतना ही कहूँगी, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे. अब मैं मिलूँगी आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. तब तक के लिए प्लीज़ 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 स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी एंड पीस, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हेट ऑन समवन एंड टू स्प्रेड हेट. तो अच्छे काम करो, अच्छे बनो और अच्छाइयाँ फैलाओ. बाय.